सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा कर रखा था कि मैं आपके लिए कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 का वीडियो जरूर लेके आऊंगा, और आ ही गया ना फाइनली वो वीडियो लेके। तो अगर आपने इससे पहले यानी कि पार्ट फर्स्ट कश्मीर फाइल का वीडियो नहीं देखा है, तो इट्स माय पर्सनली एंड लिटरली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप वो वीडियो जाएं और देखें, क्योंकि उसमें मैंने कई तरीके के रिकॉर्ड्स और डेटा इतने खोजने या इतने ढूंढने एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च करने के बाद बनाए हैं, जिसे आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी उस वीडियो को देख के इतनी इन्फॉर्मेशन तो ग्रैब कर ही सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो में। आखिर इस वीडियो में है क्या? सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर फाइल के पीछे का बैकग्राउंड, आखिर इसकी मेन एक्चुअल वजह थी क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीरी पंडितों के लिए ब्लैक डे था, वो आखिर दिन था कौन सा। वो दिन था 19th of January 1990, जिसे ब्लैक डे माना जाता है कश्मीर का कश्मीरी पंडितों के लिए। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। एक्चुअली 1986 में जब राम मंदिर का दरवाजा खोला गया था, तभी से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए थे। कहीं उनके घर जला दिए जाते थे तो कहीं उनको दिन दहाड़े मार भी दिया जाता था, जिसके तुरंत बाद वहां पे आर्टिकल 356 लागू कर दिया था, यानी कि राष्ट्रपति शासन, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट रूल ओवर स्टेट्स भी कहते हैं। और इसी के ठीक बाद उनको ऐसी वार्निंग्स भी मिलने लगी 1988 में आते आते कि कश्मीरी पंडितों, अगर आपको यहाँ पे रहना है कश्मीर में, तो या तो आप इस्लाम कबूल कर दो वरना यहाँ से चले जाओ, यानी कि कश्मीर आप लोग प्रॉपर छोड़ दो। और तो और उसके बाद कश्मीर के एक बहुत ही फेमस अखबार में ये हेडलाइंस भी छप गई कि कश्मीरी पंडितों अब भी वक्त है, ये कश्मीर छोड़ दो वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और इसी के बाद उनके घर जलाने शुरू हो गए। और अब मैं बताता हूँ आखिर ब्लैक डे 19 जनवरी 1990 को एग्जैक्टली हुआ क्या था। उस दिन 3 लाख करीब कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ दिया, 21,000 करीबन घर जला दिए गए थे कश्मीरी पंडितों के, और 11,000 कश्मीरी पंडितों को दिन दहाड़े मार दिया गया था, जिसको कश्मीरी फाइल्स में बखूबी दिखाया गया है। और ये मूवी लिटरली इतनी औसम है कि मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी जाके देखें, क्योंकि ऐसी मूवी भाई साहब आज तक रियलिटी में नहीं बनी थी, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी बन चुकी है जिसका सेलिब्रिटी प्रमोशन करना तो दूर, पब्लिक खुद पर खुद प्रमोशन कर रही है। सो दोस्तों, इस मूवी को जरूर देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी वीडियोस आपको धमाकेदार चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा रेगुलर वीडियोस वॉच कर। मिलते हैं इसी तरीके के अमेजिंग फैक्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।